What's up? So, मैं ये गाना आज कवर करने के बिल्कुल मूड में नहीं था. मतलब मैंने कुछ प्लान नहीं करा था, मैं आज दूसरा वीडियो डालने जा रहा था, बट भाई मैंने एक गाना सुना एंड आई वाज लाइक माइंड ब्लोन. मतलब अगर मेरा पर्सनल वो पूछा जाए ओपिनियन, तो मैं ये कह सकता हूँ कि दिस इज द ग्रेटेस्ट सॉन्ग ऑफ DHH एवर. मतलब ये मेरी अपनी सोच है, तुम्हारी क्या सोच है मुझे नहीं पता, लेकिन प्लीज बताओ एंड ये गाना सुनो ब्रो, क्योंकि तुम ये गाना सुनना डिजर्व करते हो. मतलब मैं नहीं बोलूंगा कि गाना डिजर्व करता है कि तुम इसको आगे सुनो, मैं कहूंगा कि तुम ये डिजर्व करते हो कि इतना इतना महान गाना, महान लाइक मेरे पास शब्द नहीं है भाई, है ना. लाइक इस गाने ने मुझे मोक्ष, सैलवेशन, मुक्ति की अनुभूति करा दी, ठीक है, अनुभव करा दिया मुझे. तो प्लीज ये गाना सुनो, अच्छा लगे तो गाने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके सपोर्ट करना भाइयों का. ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, इनफैक्ट मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ, आर्टिस्टों को पता भी नहीं है, लेकिन भाई मैंने इंस्टाग्राम पे स्निपेट सुना और उसके बाद जब मैंने गाना यूट्यूब पे सुना, आई वाज लाइक फक भाई, मेरा धागे खोल दिया दिमाग के. लेट्स सी कटु वचन में क्या है. ओह यस, सो 3, 2, 1 हियर वी गो. ध्यान से सुनना, एक एक लाइन को ध्यान से सुनना, गाना समझ गए तो यहां हिट करेगा. यहां लंबा इंट्रो है, गिव इट सम टाइम ब्रो, गिव इट सम टाइम, तुम्हें पता नहीं आगे क्या होने वाला है. सुनो सुनो, इंट्रो पे जाना जाना, पूरा गाना ध्यान से. तेरा सहारा मैं चारा, बेगाना ये सफर है, जाना पहचाना तराना ये मगर, बस तेरा ख्वाब का आग में लाजमी, बर्बाद है आगे साक्षी, किताबी ये बातें है कागजी, खराब है आदत शराब की छोड़ दी, इमारत है शहर में बहुत पर गई. अब देखो, अब खाली गाने का जो कटु वचन है, अब खाली कटु वचन शुरू होंगे. कटु वचन मतलब कड़वे कड़वे वाक्य, कड़वी सच्चाई, ठीक है. अब कड़वी सच्चाई शुरू होगी, देखना जीवन की. कागजी खराब है आदत शराब की छोड़ दी, इमारत है शहर में बहुत पर, गरीबी सड़कों पे दिखती है आज भी, बातें ये कांच सी चूपे पर चेहरा बताती है साफ. 100 नंबर डायल, 100 नंबर डायल, प्रशासन है लेट तो सोजन है घायल, सोजन है देख के वीडियो बना रहे थे रोड पे दोगले, सोजन है घायल. ठीक है, जो हालात चल रहे हैं, जो वीडियोज आजकल सरफेस हो रहे हैं, चाहे वो बांग्लादेश के हों, चाहे वो हिंदुस्तान के हों, जहाँ पे भी ये सिविल वॉर काइंड ऑफ सिचुएशन चली हुई है ना, हिल जाओगे. अगर तुम्हें कभी भी ये बात है, कभी भी थोड़ी सी भी हिट करी है ना, हिल जाओगे. सुनो सुनो सुनो, जवानी में खानों में पत्थर, मिली आजादी सालों से लड़कर, गोरे होते निकालों से बढ़कर. मतलब सारे कटु वचन में एक एक लाइन को रोक रोक के इसके ऊपर बात कर सकता हूँ. जवानी में खानों में बत्तर, बिल्कुल सही बात है, मेरी भी हुई थी. में खानों में बत्तर, मिली आजादी सालों से लड़कर, गोरे होते निकालो से लड़कर, बहुत बढ़कर, बहुत कंट्रोवर्शियल लाइन है, ठीक है, बहुत कंट्रोवर्शियल. ही इज टॉकिंग इन द सेंस ऑफ हिप हॉप, किसी भी सेंस में बहुत कंट्रोवर्शियल लाइन है, लेकिन है तो है भाई, गाने का नाम ही कटु वचन है, क्या कर सकते हैं. जवानी में खानों में बत्तर, मिली आजादी सालों से लड़कर, गोरे होते निकालो से बढ़कर, ना सीखा किताबों से पढ़कर, रोशन हुआ चिरा को सजलकर, खड़ा हूं मैं इरादों पे डटकर, इंतजार करे माँ मेरी घर पर, मेरे ख्वाबों में आता शैतान, बेचैनी बन के बैठी है मेहमान, कमरे के कोने में बैठा हूँ शान, खिड़की से ताका झांकी करे चांद. ये सब लाइनें इतनी हिट करी मुझे, इतनी हिट, लेकिन जो हिट करा था ना मेन चीज, अभी तो वो पार्ट आया ही नहीं है, अभी तो आधा गाना बचा है ना, अभी अगला आधा गाना सुनना, अभी रुक जो. के बेटी है मेहमान, कमरे के कोने में बैठा हूँ शान, खिड़की से ताका झांकी करे चांद, बातचीत होती तारों से दोनों को गिरने का दुख है, बातचीत होती दोनों को तारों से गिरने, दोनों तारे बिगड़ जाते हैं, मैं भी गिर गया. अंधेरा ये दोस्ती कर बेटा मुझसे, बदल देता किरणों का रुख ये, अब बचपन कंडाली. अंधेरा ये दोस्ती कर बैठा मुझसे, बदल देता किरणों का रुख है, मतलब समय ऐसा खराब चल रहा है, कुछ भी अच्छा होने वाला होता है, समय बदल जाता है, वो अच्छाई आने से ही पहले अंधेरा मेरा बुरा समय रोक देता है. अंधेरा ये दोस्ती कर बेटा मुझसे, बदल देता किरणों का रुख ये, अब बचपन कंडाली में घर पे थे दुख, करना है बाप को कर्जे से मुक्त, मुझको पता है कि कोई तो देख रहा ऊपर से, बस उसकी वजह से मैं चुप, उठाया था पेन, मजबूरी मजबूरी में अब यही पेन, हर दुख का साथी है हर व्यक्ति सेम, कलयुग का वासी है मेरी डुगेम, से कर लूंगा शादी में अब तलक, गवारा आवारा सहारा नशा, नजारा संवारा हमारा मजा, मैं घूमा हर जगह तुम्हारा पता.
प्लीज 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 गाने की टेक्निकलिटीज और उसके भाव के ऊपर, उसके फीलिंग्स के ऊपर जाओ भाई, उसके देखो तो वो बोल क्या रहा है, जो कवारा आवारा सयारा नशा सतारा नशा जो आके बस चला जा रहा है ना, एक एक लाइन को रोको, उसका फील लो ब्रो, तब तुम्हें गहराई समझ आएगी इस गाने की। हमारा सहारा नशा, नजारा समारा हमारा मजा, मैं घूमा हर जगह तुम्हारा पता, ना मिला तो फिर से दोबारा बता, ये गाना उन लोगों के लिए जो हार गए, दूसरों के लिए खुद की खुशी मार गए। ठीक है, ये आइडियोलॉजी फक है ब्रो, क्या मतलब दोबारा बता, ये गाना उन लोगों के लिए जो हार गए, दूसरों के लिए खुद की खुशी मार गए, क्या मतलब कमा लिया तूने बहुत, क्या मतलब मैयत पे पर कंधे ना चार गए, बच्चों के बस्तों में ड्रग्स कम उम्र से लड़कों के पर्सों। इतने ट्रूथ बॉम्ब्स समाज की वो गंदी सच्चाई इतने घिनौने तरीके से भाई ओपनली बोल रहा है यहाँ पे, फक। लेकिन मैं अभी भी बोल रहा हूँ, गाने का अभी अच्छा पार्ट तुमने सुना, मतलब अच्छा मतलब जो पार्ट तुम्हारा हिला देगा ना, ये अभी वो शुरू भी नहीं हुआ है। उन्हें बहुत क्या मतलब मैयत पे पर कंधे ना चार गए, बच्चों के बस्तों में ड्रग्स कम उम्र से लड़कों के पर्सों में चार्ज, कम उम्र के लड़कों को देखा लटकते मिलावटे कर रही मदरसों में नर्स, बीवी को बेड से मारे शराब, यहाँ आदमी यूं ही बदनाम है, मर्द चुटा लेता पैसे शराब के, बोझ लगे बच्चों की बुक्स का दाम है। इन शब्दों में शक। अब इस आर्टिस्ट का नाम है माशु, मैंने इस आर्टिस्ट का आज तक नाम तक नहीं सुना था, गाना सुनना तो छोड़ ही दो, लेकिन अब जो वर्ड्स आने वाला है, अब जो माशू का जो पार्ट है, मेरे लिए देसी हिप हॉप हिंदी रैप का आज तक का बेस्ट वर्ड्स है, मेरे लिए, आपके लिए हो, आप लड़ो, आपके भाव अलग है, आपकी फीलिंग अलग है, आपको अलग चीज़ें आकर्षित करती हैं, मेरे को अलग चीज़ें आकर्षित करती हैं, और इस वर्ड्स ने मुझे मेरे घुटनों पर टिका दिया। मतलब सुनो, अभी तक लश्करी ने समाज की जितनी गंद थी और जो वो जो गुस्से वाली सोच है उसको प्रकट करा, उसको प्रेजेंट करा अपने वर्ड्स में, अब उसकी सोच में जो क्लैरिटी लाएगा माशू, जो कॉन्ट्रास्ट दिखाएगा जीवन की सोच क्या होनी चाहिए, जो स्पिरिचुअलिटी ये बंदा 2 मिनट में समझा देगा, मैंने ऐसी स्पिरिचुअलिटी पूरी जिंदगी में किसी को अब 2 घंटे 20 दिन 2 महीने में समझाते हैं देखी, जो ये बंदा बोलेगा। अब सुनो, ध्यान से सुनना, मुझे नहीं पता तुम्हें कितना समझ आएगा, लेकिन सुनो। चुटा लेता पैसे शराब के, बोझ लगे बच्चों की बुक्स का दाम है। इन शब्दों में शक्ति है, शब्दी मंत्र शब्दी भक्ति है, ये जीवन साकार है तभी कर तुझ में सब्र मन में तृप्ति है। ठीक है, ये शब्दों में शक्ति है, जो तुम बोलते हो वो बहुत मायने रखते हैं, तुम जो भी चीज बोलोगे वही चीज होगी, और ये जीवन का तभी सक्सेसफुल होगा जब मन में तृप्ति होगी। ठीक है, त्रिशब्दी भक्ति है, ये जीवन साकार है तभी कर तुझ में सब्र मन में तृप्ति है, रच भगवान ने सृष्टि और दी मनुष्य को दिव्य दृष्टि है, समय पढ़ाता पाठ परिस्थिति लेती परीक्षा सबकी है, ज्ञान अज्ञान के बीच के भेद में लिपटी माया गजब की है, ये कुछ भी कर सकती है, कभी अंधेरी कभी चमकती है अनेकों। मतलब मैं तुम्हें हिंदी के टीचर की तरह एक एक लाइन रोक रोक के, मेरे को तो मन है बात चलो करता ही, सब की है ती परीक्षा सब की है, ज्ञान अज्ञान के बीच में भेद में लिपटी माया गजब की है। ठीक है, एक तरफ नॉलेज है, एक तरफ विजडम है, और एक तरफ है कि जहां पे हमें मूर्खता है, हमें समझ नहीं आती, और इसके बीच में जो दुनिया चल रही है कि हमें कुछ चीजें तो बहुत ज्यादा पता है, कुछ चीजें तो हम उनके मामले बिल्कुल मूर्ख हो जाते हैं, उसके बीच में जो आदमी का एक कॉन्शियसनेस चल रहा है ना, कॉन्शियसनेस का मतलब समझो थोड़ा है ना, चल रहा है ना, वो माया गजब की है। ठीक है, वो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है ना, वो एक अलग दुनिया है, लेती परीक्षा सब की है, ज्ञान अज्ञान के बीच के भेद में लिपटी माया गजब की है, ये कुछ भी कर सकती है, कभी अंधेरी कभी चमकती है। ठीक है, कभी तो ये तुम्हें डुबा देगी, कभी तुम्हें बना देगी, तो है ना, तुम्हें चमक के सब दिखा देगी, आकर्षित भी कर देगी, तुम्हारे रास्ते भी दिखा देगी, तुम्हें हर चीज है, वो ज्ञान अज्ञान के बीच में जो कॉन्शियसनेस चल रहा है, अनेकों रूप बदलती है, सबसे संभलती है, ये सब सब इसको नहीं अपने काबू में कर सकते हैं, बुद्धि को वश में करके नित्य करती मन में चलती है, कभी है शीतल जल सी, कभी है उष्ण ज्वाला सी जलती है, वजह है लाल। जितने हिप हॉप के टेक्निकल वाले मेरे भाई लोग हैं, आप खाली इस गाने की और स्पेशली ये माशू वाले पार्ट की जो है, आप खाली इंटरनल राइम्स देखना और फ्लो स्विचेस देखना, और वो जो कौन से क्या बोलते हैं, जिसमें सारे शब्द एक ही लेटर से शुरू होते हैं, वाली जो एलिट्रेशन बोलते हैं, ऐसे ना, ये सब जो चीजें करी हैं, आप ध्यान दो ब्रो, लाइक इस बंदे ने क्या क्या
क्या लिखा है, ये कौन आर्टिस्ट है, इसके बारे में मैं क्यों नहीं जानता हूँ, मेरे रोंगटे खड़े कर दिए इस आदमी ने भाई। मतलब कभी है शीत जल सी, कभी है उष्म ज्वाला सी जलती है, वजह है लाल जलन नफरत और जननी छलकी है। ठीक है, तो ये अपने अंदर जो ये सब चीजें है ना, नफरत जलन लालच, उसकी वजह से हमारा दिमाग जो है वो हमेशा इधर उधर, कभी काबू नहीं कर पा रहा है, कभी भाग रहा है, कभी जला दे रहा है, कभी बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमारे अंदर जो है ना नेगेटिव, तो नफरत जलन लालच छल सबको ही जल भी है, चिंता कल की चिंता फल की है, चिंता चिंता समान है, चिता जो तेरे चित में जलती है। सबको ही जल्दी है, सबको अपनी लाइफ में सबको जल्दी जल्दी चाहिए, क्योंकि चिंता है बहुत, ये ना हो जाए वो ना हो जाए, है ना, चित की है ना, सब चीज सब चित की मतलब सब चीज की चिंता, प्रॉब्लम ये वो ये सब कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। और चिंता किस चीज की है, जो तुम्हारे चित में, जो तुम्हारे मन में चिंता है वो जलती, चिंता फल की है, चिंता चित समान है, चिंता जो तेरे चित में जलती है। ठीक है, जो चिंता है वो तुम्हारे चित कॉन्शियसनेस में वो चिंता की तरह जल रही है, वो चिंता तुम्हें जला रही है, तुम्हारे चित को जला रही है, तुम्हारे मन को खत्म कर रही है वो चिंता, जिस चिंता की वजह से तुम सब चीज जल्दी जल्दी पाना चाह रहे हो, वो जल्दी जल्दी पाना चाहने के रीजन की वजह से तुम्हारे अंदर की कॉन्शियसनेस मरती जा रही है, और जो तुम इंसान हो वो बनते जा रहे हो। कल परसों एक बहुत सही चीज मैंने कहीं पे सुनी थी कि जो आदमी अपनी जिंदगी में जल्दी में होता है वो मतलबी होता जाता है, क्योंकि उसको हर चीज परफेक्ट चाहिए अपने लिए, और जो जितना मतलबी होता जाएगा वो उतना कम दूसरों की सोचेगा और वो एक मतलबी इंसान बन जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको खाली अपनी चिंता थी, वो जल्दी में था चीजें पाने की। तो यहाँ पे सबको जल्दी है, वजह है लाल जलन नफरत और जननी छल की है, सबको ही जल्दी है, चिंता कल की चिंता फल की है, चिंता चिंता समान है, चिंता जो तेरे चित में जलती है। होना तुझे विकसित था, हो रहा विचलित मन में विचलित ना, तुझे तो विकसित होना था, तुझे तो बड़ा होना था, तुझे तो ग्रो करना था, तुझे तो इवॉल्व होना था, तेरे चित में जलती है। होना तुझे विकसित था, हो रहा विचलित मन में विचलित ना। ठीक है, तुझे तो विकसित होना था, लेकिन अब तो विचलित, तू डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि तेरे मन में विष भर गया है, तेरे यहाँ पे वो नेगेटिविटी आ गई है मेरे भाई। एकत्रित कर थोड़ा बल और कर एक कर्म जो विश्वित का अपने अंदर। मैं ये सब लाइनें जो है ना भाई, मेरे को हिला दी थी, क्योंकि मेरी सोच को इस गाने ने ऐसा प्रेजेंट करा है ना कि व्हेन यू गेट गूज बम्स, है ना, मेरी आंखों में आंसू आ गए, है ना, क्योंकि जब तुम्हारे बिल्कुल अंदर के कॉन्शियसनेस की, है ना, कोई उनको शब्दों में तुमसे बेहतर तरीके से रख दे तो मेरे को ये महसूस होता है ना। एक बार ये लाइन सुनो, इससे पहले तुम्हारे अंदर लाइन सुनो भाई, आई एम आउट ऑफ द वर्ड्स बिकॉज ऑफ दिस वर्ड्स मैन। चिता समान है, चिता जो तेरे चित में जलती है, होना तुझे विकसित था, हो रहा विचलित मन में विष इतना। ठीक है, तो जो विकसित होना था लेकिन अब तेरे मन में विष आ गया, एकत्रित कर थोड़ा बल और कर एक कर्म जो विश्व का। ठीक है, अपने ये सब चीजें हटाओ, अगर तुम परेशान हो रहे हो तुम एक काम करो कि थोड़ी सी अपने अंदर हिम्मत लाओ और वो काम करो जो तुम्हारे लिए सेल्फलेस विश फित का, जो दुनिया के लिए अच्छा हो, किसी और के लिए अच्छा हो, अपना छोड़ो, दूसरे का भला करने की कोशिश करो, है ना। फिर देखो मन में विश इतना, एकत्रित कर थोड़ा बल और कर एक कर्म जो विश फित का। खुद में तू झांक के देख मेरे मित्र, पहले खुद से कर मित्रता, पहले अपने आप को प्यार करो, पहले अपने आप को प्यार करो। अपने आप को प्यार कैसे करोगे, जब विश्वित के काम करोगे, जो जल्दी में भाग रहे हो, जिसकी वजह से मन में विष भरता जा रहा है, विचलित होते जा रहे हो, है ना, विश्वित का थोड़ा काम करो, थोड़ी मेहनत करो, थोड़ा दूसरों का भला करो, तब तुम्हें अपने आप से मित्रता होगी। अपने अंदर के इंसान को देखो, उसको बड़ा करो, उसको इवॉल्व करो, फिर होगी खुद से मित्रता। पर राइम स्कीम्स देखो भाई, खुद में तू झांक के देख मेरे मित्र, पहले खुद से कर मित्रता। मुझे पता है तू प्यासा बहुत है, वो प्यास कुछ नहीं है मृग तृष्णा। मुझे पता है तू प्यासा बहुत, तुझे सब जानना है, तुझे सब समझना है। एक बार मैं मृग तृष्णा वर्ड को खाली जो है कंफर्म करना चाह रहा हूँ, मुझे इसका मतलब तो पता था, मृग तृष्णा थर्स्ट ऑफ द वर्ड सर्चिंग फॉर समथिंग। ठीक है, मृग तृष्णा शब्द मुझे पता था कि जो मृग जो डियर होता है ना, मृग है ना, मृग को हिंदी में हिरण होता है, उसके अंदर कस्तूरी होती है, उसकी नाभि के पास कस्तूरी एक चीज होती है जिससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो हिरण जो है वो इधर उधर खाली भागता रहता है क्योंकि उसको समझ नहीं आता है खुशबू कहाँ से आ रही है, वो खुशबू ढूंढता रहता है, लेकिन एक्चुअली में वो खुशबू उसके अंदर से ही थी। तो अब ये लाइन सुनो एक बार, खुद से कर मित्रता,
मुझे पता है तू प्यासा बहुत, तेरे अंदर बहुत प्यास है, तुझे बहुत कुछ पाना है, तुझे तेरी चाह बहुत है। हाँ, बहुत है, वो प्यास कुछ नहीं है मृत तृष्णा। लेकिन वो प्यास कुछ नहीं है, वो बस तेरे अंदर की ही खुशबू है जो तुझे विचलित कर रही है। वो तेरे अंदर से ही वो भाव आ रहे हैं, बाहर से कोई चीज तुझे परेशान नहीं कर रही, वो तेरे अंदर ही है। तो वो प्यास कुछ नहीं है, वो बस तेरे अंदर जो चीज, तेरे थॉट्स, तेरी वो है थिंकिंग है, वो तेरे को परेशान कर रही है। इसके आगे इन थॉट्स को कैसे काबू में करें ये अभी बताते हैं। पहले था मैं थक बस नतमस्तक, ये लाइन इतनी बढ़िया लगी थी कि पहले मैं थक था, ठीक है, पहले मैं थक था, वो थक वर्ड को इतना बढ़िया नतमस्तक से यहाँ कंपेयर करा कि अब मैं बहुत है, वो प्यास कुछ नहीं है कृष्णा। पहले था मैं थक बस नतमस्तक, अब मैंने सरेंडर कर दिया अपने आप को डिवाइन पावर को, नतमस्तक भगवान के सामने, एनर्जी के सामने, यूनिवर्स के सामने, अब मैं कोई थक नहीं हूं, अब बस मैंने यूनिवर्स को अपनी जिंदगी की डोर दे दिया, वो चला रही है मेरी जिंदगी। ब्रह्मन सच्चे खरी ओम तत्सत, नामदेव वांछु मेरे शिव का वंश, सीधे शिव और शक्ति यार पीछे ब्रह्मन सच्चे खरी ओम तत्सत। यहां पे जो हरि ओम तत्सत ऐसे रैप में मिलाया है ना भाई, जो साउंड मिलाया है नतमस्तक हरि ओम तत्सत, राइटर है भाई आदमी, राइटर है, और इसका ये वर्ड सुन के समझ आ रहा है कि एक झूठ नहीं है जो इतना गहरा सोच सकता है, जिसकी सोच, जिसके विचार इतने प्योर हो गए हैं, है ना, खाली वही ये बातें कर सकता है, बाकी किसी के मन में भाव आ ही नहीं सकता। जिसको, जिसके अंदर स्पिरिचुअलिटी नहीं है, वो ये बातें नहीं लिख सकता भाई। यार सुन मित्र, पहले खुद से कर मित्र, मुझे पता है तू प्यासा बहुत है, वो प्यास कुछ नहीं बस मेरे कृष्णा। पहले था मैं थक बस नतमस्तक, ब्रह्मन सच्चे हरि ओम तत्सत, नामदेव वांछु मेरे शिव का वंश, सीधे शिव और शक्ति से संपन्न, सच्चित आनंद सुख निरंतर, शुद्ध विचार सच्चित आनंद सुख से निरंतर, ठीक है, सुख है निरंतर, है ना। अब मेरा ये जोन पहुंच गया है, और ये जोन कैसे पहुंचा है, जो उसने पहले तुम्हें बताया ना, जितनी चीजें विचलित होना है ना, जल्दी में रहना, वो सारी चीजें इसकी जिंदगी में भी होंगी, लेकिन अब ये वाला पड़ाव पार कर गया है, क्योंकि इसने जगत कि अच्छाई का काम करने का सोचा, तो अब वो सारी चीजें अपने आप से मित्रता करी, तो अब वो है ना, वो शुद्ध विचार सीधे शिव और शक्ति से संपन्न, सच्चित आनंद सुख निरंतर, शुद्ध विचार ध्यान ये धन, अब ध्यान तो कर, ठीक है, सच्चित आनंद सुख से निरंतर, ठीक है, अब मेरे अंदर सुखी सुख है, मेरे जीवन में जब मैंने अपनी लाइफ को सरेंडर कर दिया है ना, तब से सरेंडर टू द गॉड ऑलमाइटी, अपने आप से मित्रता, तो फिर सुख है निरंतर। क्या हिंदी रैप लिखा है भाई, निरंतर शुद्ध विचार ध्यान ही धावप धन, अब खाली ध्यान लगाते रहता हूँ वो डिवाइन पावर में, है ना, जो वो जीवन की वो जो सत्य मुझे अनुभूति हुई है, उस सत्य को सोचता हूँ, वहीं पर रहता हूँ, वो भगवान के बारे में सोचता रहता हूँ, तो बस ध्यान में अपना जीवन समर्पित कर दिया। और ध्यान से सुनना, ये ध्यान से क्या हो सकता है अभी आगे बताएगा भाई। शिव और शक्ति से संपर्क, सच्चित आनंद सुख निरंतर, शुद्ध विचार ध्यान ये धन, अब ध्यान तो कर तेरे कटेंगे संकट, ध्यान तो कर, बस उसी के ऑलमाइटी को, अपने भगवान को याद करते रहे, सारे दुख कटेंगे, ध्यान तो कर तुझे दिखेंगे शंकर है संपत्ति, ठीक है, तो ध्यान कर तुझे शंकर भी दिखेंगे। ऑनेस्टली मैं आगे कसम खा के बता रहा हूं, मैंने जब जीवन में एक बार बहुत ध्यान करा था, एक दिन का नहीं, एक समय था, है ना, क्योंकि जीवन बहुत खराब चल रहा था, उस समय सिर्फ भोले बाबा का ध्यान करता रहता था, और सही में एक टाइम ऐसा आया था कि मुझे सही में लगता था कि मैं भोले बाबा के, बहुत बड़े से भोले बाबा है, मैं उनके सामने बैठा हुआ, जब मैं ध्यान लगाता था, ध्यान तो कर तेरे कटेंगे संकट, ध्यान तो कर तुझे दिखेंगे शंकर है संपत्ति, तेरी दृढ़ शक्ति कर्म योग, तेरी संपत्ति, तेरी दृढ़ शक्ति, जो तुम ठान लोगे, जो तुम्हारे अंदर दृढ़ शक्ति दी है कोई भी चीज को करने की, एक वो विल बोलते हैं, क्या बोलते हैं यार, अरे यार दृढ़ शक्ति को क्या बोलेंगे, संकल्प लेना किसी चीज को, वो तुम्हें भगवान ने संपत्ति दी है, तुम जो ठानोगे वो कर देखेंगे संकट, ध्यान तो कर तुझे देखेंगे शंकर है संपत्ति, तेरी दृढ़ शक्ति कर्म ही योग है मन की तृप्ति। जो स्टार्टिंग में मन विचलित हो रहा था, सब चीज जल्दी चाहिए था, मन में विष भर गया था, उसको कैसे दूर करें, सिर्फ अपने कर्मों से। हमको जो जल्दी है, जिससे हमें फल की चिंता है कि हमें जल्दी से फल चाहिए, वो फल के पीछे भागोगे मन विचलित रहेगा, उसमें विष भर जाएगा, कभी खुश नहीं होगे। खाली कर्म तुम्हारे हाथ में है, कर्म फल वल सब साइड, जो आप अच्छे कर्म या अपने कर्म, आपको कोई चीज़ पानी है उसके लिए कर्म, आप वो करते रहिए, आपको मन की तृप्ति मिल जाएगी, आपको दिमाग में जितनी परेशानियां सॉल्व हो जाएंगी। मैं बता रहा हूँ, इस बंदे ने 2 मिनट में 2.5 मिनट में जो स्पिरिचुअलिटी समझा दी है, मैंने आज तक किसी बड़े आदमी को भी इस लेवल पे समझाते हैं देखा है। मतलब इसने पूरे थॉट्स की क्लैरिटी कर दी भाई, कुछ बचा ही नहीं, मन के डाउट ही नहीं बचे। अगर आप एक एक लाइन को उसको ध्यान से सुनो और उनको समझने की कोशिश करो कि बोल क्या रहा है आदमी,
पाग ब्रो। तो कर तुझे देखेंगे शंकर है संपत्ति तेरी दिन शक्ति कर्मी योग है मन की तृप्ति संसार सागर कर्मी कर्ति कर्मी धर्म जो बनाता व्यक्ति कर्म मेरा अपनों को रखना सुरक्षित कर्म करे मस्तिष्क ज्ञान करे अर्जित जीवन इन कर्मों को करके समर्पित इन पन्नों पे शब्दों को करता हूँ अंकित। अंकित भाई माशु भाई आपने मेरी रिस्पेक्ट जीत लिया। आप बहुत अच्छे राइटर हो। आपकी एक एक लाइन में सच्चाई यहाँ पे भाई ने बताया कर्म से ये चीज़ें मिलती हैं। और भाई ये बोल रहा है कि क्योंकि भाई रैपर है तो बोल रहा है कि मैं खाली कर्म करता रहता हूँ और वो कर्म कर करके अपने शब्दों को पन्नों पे अंकित करता रहता हूँ। सॉर्टेड हूँ जीवन में है ना। सच्चित आनंद सुख है निरंतर सच्चित आनंद सुख है निरंतर और बस अपने कर्म करता रहता हूँ रैप लिखता रहता हूँ। माशु भाई जीत लिया भाई तुमने। सामने तो मैं गले लगा लेता यार। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है मैं तुम्हें कितना जानता हूँ है ना। मतलब तुमने जो बातें करी है वो मेरी बातों से इतना ज़्यादा मैं उनसे रिलेट कर पा रहा हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है भाई हम तो दो आत्मा दो शरीर एक आत्मा वाली थॉट प्रोसेस पे हैं। वो यार जो तुमने वो बात कर दी ना यार कि विश्व हित के काम है ना एवरीथिंग। कर्मी कष्टी कर्मी धर्म जो बनाता व्यक्ति कर्म मेरा अपनों को रखना सुरक्षित कर्म करे मस्तिष्क ज्ञान करे अर्जित जीवन इन कर्मों को करके समर्पित इन पन्नों पे शब्दों को करता हूँ अंकित। या उड्रो सुनो कि साहब हमको कलेक्टर बना दो। आई थिंक ये इन्होंने किसी तो क्लिप से लिया है इंटरनेट के क्लिप से जहाँ पे कोई तो शायद स्लम या कहीं की कोई फीमेल कलेक्टर को बोल ली कि साहब हमको कलेक्टर बना दो। अगर कलेक्टर विजिट करने आए शायद उन्हीं को बोल ली कि साहब हमको कलेक्टर बना दो अगर आप नहीं कर पा रहे हम कर देंगे। हम बनने के लिए तैयार है सबकी मांगे पूरी कर देंगे सर आप नहीं कर पाते तो इसके लिए बनी है सरकार। जैसे कि हम भीख मांगने के लिए आए सही बात। हिला दिया भाई इस गाने मुझे हिला दिया भाई मेरा गला भरा। मैं जितनी बार ये गाना सुन रहा था मेरा गला भर जा रहा था भाई। मतलब माशु की राइटिंग ऐसी थी और मजे की बात यह है कि गाना मैंने कैसे सुना था ये मैंने लश्करी की क्लिप देखी ठीक है लश्करी की इंस्टाग्राम पे मैंने कल क्लिप देखी बहुत बढ़िया लगी मुझे। इसी गाने पे वो रैप कर रहा था बैठा हुआ था है ना वो रैप कर रहा था भाई मैंने रैप सुना मैंने क्या रैप है भाई ये गाना तो मुझे पूरा सुनना पड़ेगा। मैंने सुना लश्करी के पार्ट से मैं इतना इंप्रेस कि भाई ने क्या कटु वचन जो नाम है गाने का वही पूरा डिलीवर कर दिया। मजा आ गया इतने रॉ तरीके से जीव आजकल की गंदे सच्चाई को रखा है। और भाई जैसी सेकेंड हाफ ऑफ द सॉन्ग शुरू हुआ और ये माशु का पार्ट आया तो मैं लश्करी के पार्ट से फक इम्प्रेस था कि भाई ने क्या लिखाई करी है। जब माशु का पार्ट जो आया भाई उसने वो जो कॉन्ट्रास्ट इस गाने में सेट करा है कि जो लश्करी बातें कर रहा था उससे जस्ट ऑपोजिट। लश्करी ने बातें करी हैं जिसकी वजह से वो परेशान है समाज में जो गलत चीज़ें हो रही हैं जिसकी वजह से उसका मूड खराब है ना और वो दुनिया की जितनी अनजस्टिस है उनकी बात कर रहा है। उसको समझा दिया माशु ने कि कैसे उन सब चीजों से अगर तुम परेशान हो तो तुम्हें क्या करना चाहिए जिससे तुम यहां से खुश होगे और जीवन में सफलता की ओर जाओगे और जो तुम्हारे झूठे सफलता के पैरामीटर्स हैं उनको तोड़ते हुए। मतलब भाई मेरे पास शब्द नहीं है भाई। मतलब हिला दिया मेरे हिसाब से दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वर्ड्स ऑफ DHH एवर 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 मेरे हिसाब से। मुझे नहीं पता तुम लोग क्या हो तुम्हें लड़ना हो लड़ लो गालियां देनी मुझे गालियां दे दो लेकिन नहीं भाई मैंने ऐसा कुछ नहीं सुना मैंने कुछ नहीं सुना। मतलब जो हिंदी रैप मुझे इससे पहले पसंद आया था वो था अनिकेत और डकैत का बड़े तू चल है ना। बड़े तू चल बहुत नेक्स्ट लेवल गाना है क्या क्या कविता लिखी है उसमें। और यहाँ पे तो भाई ने मतलब हिंदी कविता और जो बातें और जो जो थॉट्स और जो राइटिंग स्टाइल और जो टेक्निकलिटीज कौन है माशु भाई कौन है ये आदमी यार। मतलब उफ मैं ढूंढ ढूंढ के अब इसका सारे गाने सुनूंगा लेकिन ये गाना असली DHH फैन हो रिक्वेस्ट है आदेश है जो भी है अगर मेरे रेगुलर व्यूअर हो इस गाने को जाके जरूर सुनना कमेंट में बताना कि भाई हमने रेजोनेट करा फेक के साथ ये गाना सुना था और किल कर दिया दोनों भाइयों ने लश्करी माशु दोनों को रिस्पेक्ट है भाई क्या गाना लिखा तुम दोनों ने यार क्या गाना बनाया ऐसे गाने सालों में बनते हैं। एंड अपने ओरिजिनल जो भी तुम्हारा ओपिनियन है कमेंट बताना इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो करते तो कर लो है ना आईडी के नाम है @ मैं हिल गया भाई मैं हिल गया मेरे पास नहीं है शब्द अभी। मैं आज 4 वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा था बैक टू बैक और मैंने इस वाले गाने को जानबूझ के आखिरी में रखा था क्योंकि मुझे पता था ये रिकॉर्ड करने के बाद मैं कुछ और रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा।
ठीक है चलो बाय पीस।